साधु जी, अरे बालाजी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। आप ही हैं? कहाँ से आई हैं माता? हे हरि, तुम्हारी जय हो। राम कृष्ण, आओ नजदीक माँ, क्या समाधान पाना चाहते हैं? जी, अरे राम राम, क्यों परेशान हो? रो मत, आपकी अर्जी इसीलिए लगी। कहाँ रहती हैं आप? बुराड़ी, यहीं दिल्ली के पास। यहाँ किसी को आपने विषय बतलाया? अच्छा, कोई बात नहीं, हमारा मतलब हमारा पूछना है ताकि आपके मन में। अच्छा, पहली बार आई हैं आप? पहली बार आई? मोबाइल पे देखती थी और पहली बार में अर्जी लग गई। हो तेरी जय हो माता। जन्मजात दिक्कत किसको है? पहले हमने ऐसा लिखा, पढ़ना है आपको। घर में अशांति, तीनों बच्चों में उपद्रव, आपको रखते नहीं है, ध्यान नहीं देते, बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं, परेशान कर रहे, आप टेंशन में हैं, आपका एक पोता जन्मजात समस्या है, उठने बैठने में मूक बद्धता है, बाक नहीं है, पागलों जैसी हरकत करता है, जन्म से ही समस्या बनी, डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया है, 40% धाम से आराम लगेगा, बच्चों को सद्बुद्धि आएगी, जाओ, अब आप मरने मारने की बात मत सोचना, आशीर्वाद है। उसको समय लगेगा माँ। आज से बालाजी हैं। आपने घर से अर्जी लगाई? आपको आना पड़ेगा धाम माँ, नहीं बागेश्वर धाम आना पड़ेगा, पेशी करनी पड़ेगी माँ। हमने उसका कारण भी निकाला, कोई लकवा से खत्म हुआ था पूर्वज, ठीक है, और शायद उसका दादाजी, बेटे का दादाजी। हाँ, तो वही हम कह रहे हैं आपके, हम एक मिनट में हम आपको बता रहे हैं, उसका दादाजी ही लगेगा। एक मिनट मां, नहीं 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 नहीं, हम गलत नहीं हो सकते। राम, माइक लो माँ, माइक लो आप, फिर भी माइक लो, हमें आत्मसंतुष्टि रहेगी माँ। उसी के दादाजी मतलब तुम्हारे पति के बड़े भाई, हाँ जी, हाँ जी, बड़े भाई, हाँ जी, हाँ, तो उसके दादाजी लगे ना, हाँ जी, हाँ जी, उनकी शादी नहीं हुई थी? हुई है। नहीं, उनकी आपके पति हुई, लेकिन संतति नहीं थी उनके, वंश नहीं था उनका, तो दादाजी लगे, उन्हीं के कारण ये पोता को दिक्कत हुई है, वही लौट कर आए। सियावल रामचंद्र की। अब सही है हम? हाँ जी, एकदम सही, हाँ, निराकरण हो गया, हाँ जी, कोई संदेह नहीं। ये तुम्हारे हम जेठ की चर्चा कर रहे हैं, आपके हम जेठ की चर्चा कर रहे हैं। हाँ माँ, हम कभी ब्रॉन्ग नहीं हो सकते, यह वो पोते का कारण निकला है। अब आप धाम आओ, आप अखंड रामायण करवाओ, हम उपाय करेंगे, ये पोता ठीक होगा, जाओ, आशीर्वाद है। गुरुजी की जय हो। सीताराम सीताराम। कोई संदेह? बात एकदम सत्य? हाँ सत्य, ये पर्चा उस पोता को यही हाँ, धाम पे लाना है, पहले वो ठीक तो हो जाए।
माँ पहले वो ठीक तो हो जाए, धाम तो ले आओ। जी माँ, खुश रहो। सीताराम, जिसको भी जहाँ समझ में नहीं आए, हमारा धर्म है समझाना, आप तुरंत टोक करके हमसे समझ सकते हो, लेकिन जो कहा जाएगा वो प्रमाण सहित कहा जाएगा, फैक्ट के सहित बताया जाएगा। तुम्हारी क्षमता नहीं है कि हमारे प्रमाण को तुम गलत कर दो, ये तुम्हारी क्षमता नहीं है।